प्रिय दोस्तों, बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में और इस व्याख्यान वाला में आपका स्वागत है। आज हम निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके अध्ययन को प्रारंभ करेंगे और अपने इस पहले व्याख्यान में आचार्य श्री द्विवेदी जी ने अपने जीवन को कहाँ से प्रारंभ किया, अर्थात कब वो पैदा हुए और किस तरह से पढ़े पले और अपने जीवन में स्थान बनाया या क्या उपलब्धियां हासिल की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लेकिन एक बात मैं शुरू में बता देता हूँ जो कि अक्सर अक्सर मेरे को पढ़ाते समय नज़र आती है या उत्तर पुस्तिकाएँ जांचते समय मेरे को नज़र आती है, वो ये है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है उसमें एक काल या एक युग आता है, द्विवेदी युग, और बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि द्विवेदी युग का पूछते ही या ये पूछते ही कि द्विवेदी युग का नामकरण किस महान व्यक्ति के या महान साहित्यकार के सम्मान में रखा गया है या उनकी याद में या उसके नाम के आधार पर रखा गया है, तो जवाब आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो नामकरण हुआ है उस काल विशेष का वो इन हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर नहीं बल्कि श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। उनका भी अपना एक अलग व्यक्तित्व था और हिंदी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। हालांकि साहित्य तो उन्होंने इतना अधिक नहीं रचा जितना हजारी प्रसाद जी ने लिखा था, लेकिन आपका योगदान हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में बहुत अधिक रहा था, बहुत अधिक महत्व रहा था। तो अब इसके बाद हम वापस आते हैं श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ। द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ, 19 अगस्त 1907 को हुआ। आरत दुबे का छपरा, जो कि ओजवलिया नामक ग्राम के नाम से प्रसिद्ध था, उसमें हुआ और उसका जिला लगता था बलिया। और आपने एक ठीक ठाक जिंदगी जीते हुए समय के मुताबिक, समय के हिसाब से 19 मई 1979 में इस दुनिया को छोड़ दिया, अर्थात उनका स्वर्गवास 19 मई 1979 को हो गया था और स्वर्गवास इनका दिल्ली नामक स्थान पे हुआ था। हम जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है। आप के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि ज्योतिष संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इनका पूरा परिवार ज्योतिष विद्या के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। आपकी माता श्रीमती ज्योतिषमती थी और उनके लाड प्यार में ही आपका जो है पालन पोषण हुआ। अब आते हैं शिक्षा पर।
आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, पढ़ने में आप प्रारंभ से ही तीव्र बुद्धि थे, मिडिल कक्षाओं में आने के बाद आपने मिडिल स्कूल की जो कक्षा पास की या मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई प्राप्त की वो बसरिकापुर नामक जगह में एक मिडिल स्कूल था, वहाँ से 1920 में की। और मैंने पूर्व में बताया कि आप पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, तीव्र बुद्धि थे, तो यहाँ आपने मिडिल स्कूल जो पास की वो प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद आप कुछ समय के लिए निकट के गांव जो था, गांव के निकट जो एक आश्रम था, पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें संस्कृत के अध्ययन के लिए चले गए। और 1923 में आप जो है आगे पढ़ने के लिए काशी आ गए। और आप जानते हैं काशी का नाम तो विभिन्न विद्वानों से जुड़ा है, हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो भी काशी में है, तुलसी के बारे में आप जानते हो तो तुलसी काशी से जुड़े हुए हैं, कबीर के बारे में जानेंगे तो कबीर काशी से जुड़े हुए हैं, तो विद्वानों का नाम काशी से जुड़ा हुआ है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी काशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ हम धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि विद्वानों की पढ़ाई के लिहाज से जो है बात उसके हिसाब से इसको देखेंगे। तो 1923 में आप पढ़ने के लिए काशी आ गए और वहाँ आकर के रणवीर पाठशाला कमच्छा नाम से जो थी वहाँ प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में और कक्षा में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। में आए थे काशी और प्रवेशिका परीक्षा आपने प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान के साथ वहाँ से प्राप्त की। 1927 में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आज तो आप सोचते होंगे हाई स्कूल क्या है, उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल को हाई स्कूल ही कहा जाता था, दसवीं तक को भी कई बार हाई स्कूल कह देते थे, और उस समय हायर सेकेंडरी तक पढ़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो हमको लगता है कि एक सामान्य सा बच्चा जो है जिसको हम अनपढ़ भी कह सकते हैं वो भी हायर सेकेंडरी तक पढ़ लेता है, लेकिन उस समय पढ़ाई लिखाई इतनी अधिक नहीं थी। तो रणवीर पाठशाला कमेच्छा से आपने प्रवेशिका परीक्षा अच्छे अंकों के साथ और कक्षा में प्रथम स्थान पाते हुए किया। अब हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल पास करते ही आपका विवाह 1927 में ही कर दिया गया। अब देखिए 1907 में पैदा हुए, 1927 में विवाह हुआ। आज के कानून के अनुसार तो आप नाबालिग थे, लेकिन उस समय ये कानून नहीं बना था और उस समय के हिसाब से आपका विवाह जो है वो जल्दी नहीं हुआ था बल्कि लेट ही हुआ था ऐसा माना जाता था। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था और ताउम्र आपने इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। 1929 में आप इंटरमीडिएट परीक्षा को उत्तीर्ण कर गए। 1927 में शादी हुई, शादी का इनकी पढ़ाई पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। आमतौर पर बच्चों में क्या होता है, शादी के बाद फर्क आ जाता है। और इसी साल संस्कृत साहित्य में शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की। और 1930 में आपने ज्योतिष विषय में, 1930 में आपने ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि भी धारण की, प्राप्त की। अब देखिए ज्योतिष में प्राप्त करने का क्या मूल कारण हो सकता है, अब देखिए क्योंकि इनका पूरा परिवार
ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में लगा हुआ था, काफ़ी प्रसिद्धि थी, तो इनका लगाव निश्चित रूप से वहीं होना था। और शास्त्री परीक्षा और आचार्य परीक्षा, या दोनों के लिए उपाधि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों उपाधियां आपने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। और 1930 में ही नवंबर महीने में 1930 में ही नवंबर महीने में आप जो है शांति निकेतन चले गए। ये तो आप जानते हैं कि शांति निकेतन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पढ़ने पढ़ाने का स्थान है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वहाँ आपने हिंदी पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। देखिए, पढ़ाई पूरी संस्कृत में की है और पढ़ा क्या रहे हैं, हिंदी। क्यों? क्योंकि उनकी क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी थी, उस क्षेत्रीय उपभाषा को छोड़ दीजिए। और संस्कृत वाले की पकड़ हिंदी पर अच्छी होती है, और हिंदी में रुचि भी हो तो वो आदमी हिंदी पढ़ा सकता है। और 20 वर्षों तक आपने वहाँ हिंदी अध्यापन का कार्य किया, और वहीं रह करके आप जो है रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य जो विद्वान लोग वहाँ आते जाते थे या पढ़ाते थे उनके संपर्क में आए, और वहीं आप के रुचि साहित्य के प्रति हो गई, और वो भी व्यवस्थित रूप से। एक तो अव्यवस्थित होता है, दूसरा व्यवस्थित होता है। आपकी रुचि व्यवस्थित साहित्य की तरफ हो गई, व्यवस्थित रूप से आपने साहित्य का लेखन अपने उस झुकाव के बाद, उसकी तरफ लगाव होने के बाद किया, शुरू हो गया था। तो मूल रूप से शांति निकेतन में जाकर ही आपकी जो साहित्य जो रचना संसार है उसका प्रारंभ हुआ था। और 20 वर्षों तक वहाँ कार्य करने के पश्चात 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में आप वहाँ नियुक्त हुए। अब हम इनके जीवन के व्यवसाय की तरफ, या जीवन को जीने के लिए जो हम कहते हैं कि कोई ना कोई साधन चाहिए, उद्यम चाहिए जिससे कि जीवन यापन किया जा सके, उसकी तरफ आ जाते हैं। मैं वर्षवार चलूँगा तो बीच में कहीं पढ़ाई छोड़ करके कोई विशेष कार्य होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो 1950 में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गए और वहाँ हिंदी पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया, प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में वहाँ आपने कार्य ग्रहण कर लिया। 1957 में आपने पद्म भूषण पुरस्कार मिला, जो कि काफ़ी बड़ा सम्मान, भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला जो सम्मान है उसमें शामिल है। उसके बाद 1950 में कुछ विरोध के कारण, क्योंकि स्पष्टवादी थे तो उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बाहर जाना पड़ा, और 1960 में आपने पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया। देखिए, कई विश्वविद्यालयों में कार्य किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, आगे फिर देखेंगे कहीं और भी गए हैं क्या। लेकिन 1967 में वापस हिंदू विश्वविद्यालय आ गए, 1967 में, और प्रोफेसर तो थे ही, विभागाध्यक्ष भी हो गए। दोबारा जब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्वीकार किया तो विभागाध्यक्ष भी यहाँ के हो गए। और ये कब हुआ, 1967 में, और 1968 में आप इसी विश्वविद्यालय में
रेक्टर पद पर नियुक्त हो गए या रेक्टर पद पर भी आपकी नियुक्ति हो गई। और 25 फरवरी 1970 को आप सेवानिवृत्त मान लीजिए या इस पद से मुक्त हो गए। तो इस तरह से ये एक चक्र चला इनका जीवन यापन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए। इसके बाद कुछ समय के लिए आपने हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण एक योजना बनी थी, उस योजना के आप निदेशक रहे। 1972 में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के आप अध्यक्ष रहे। और आप एक संस्था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के आजीवन उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा आपने अपनी सक्रियता साहित्य के क्षेत्र में छोड़ी नहीं, एक निबंध संग्रह आपने प्रकाशित करवाया जिसका नाम था आलोक पर्व। आलोक पर्व, तो आलोक पर्व जो निबंध संग्रह था उसके लिए 1973 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। काफी बड़ा पुरस्कार है साहित्य के लिहाज से, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात, जिसे हम लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, वो हुआ। और 19 मई 1979 को इस महान व्यक्ति ने इस संसार को छोड़ दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। इनके कार्यों को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी। अब हम थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व पर भी आते हैं, इनकी जानकारी पर भी आते हैं। आप एक सामान्य साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक व्यक्ति में जितना अधिक कुछ इकट्ठा हो सकता है, उसके भीतर रह सकता है, वो सब आप में था। इतिहास के जानकार आप थे, परंपराओं से आप परिचित थे, विज्ञान का ज्ञान भी आपको अच्छा खासा था। भाषा और साहित्य तो हम सब जानते हैं कि वो उनका प्रमुख क्षेत्र रहा ही है। इसके अलावा धर्म और दर्शन, चाहे वो भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो, उसकी भी आपको बहुत अधिक अच्छी जानकारी थी। और इन सब का सम्मेलन आपके व्यक्तित्व में था। और ये प्रभाव या ये योग्यता होने का एक कारण था कि इनके साहित्य में हमको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा दर्शन, हमारा विज्ञान, हमारी परंपराएं, हमारे ये सब चीज़ें इनके साहित्य में हमको नज़र आ जाती है। एक इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतिहास का कितना अच्छा ज्ञान आपको रहा है। और फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, पुस्तकें भी लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास पर, तो वो भी इनके अच्छे ज्ञान की एक निशानी है। तो हम कह सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े विद्वान थे, मात्र लेखक नहीं थे, मात्र रचनाकार नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वान से विदूषक थे। और इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद आपका स्वभाव बिल्कुल सरल, बिल्कुल उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति, और जिंदा दिली बहुत जबरदस्त। उनके पास जाकर के बैठ करके कोई व्यक्ति घंटों बैठा रह सकता था,
हंसी मजाक करते रहते थे। तो सरल उदार जिंदा दिल होने के बावजूद आपकी जो खासियत एक थी स्वभाव की, जो कि बड़े लोगों में अक्सर मिलती वो इनमें थी, कि आप स्पष्टवादी थे और निर्भीक थे। स्पष्टवादी और निर्भीक होना इसी के कारण क्या है कि इनको जगह कई बार छोड़ के जानी पड़ी। ऊपर मैंने कहा कि आप चार भाषाओं पर तो बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला। इसके अलावा आपका पाली और प्राकृत भाषा पर भी काफ़ी अच्छा अध्ययन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक महान व्यक्तित्व के मालिक थे और इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, हिंदी के साहित्य को बहुत कुछ दिया, और इसी कारण से हम इनको आज भी याद करते हैं। और आपके इस पाठ्यक्रम में इन्हीं का एक निबंध रखा गया है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कल हम इनके रचना संसार का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इन्होंने कौन सी रचना की, कब की, यदि संभव हुआ तो ये भी जानेंगे, और किस रचना में क्या है यदि हमको संभव हुआ। हालांकि मैं नहीं सोचता कि बहुत अधिक ग्रंथों के बारे में हम चर्चा उसमें कर पाएंगे, लेकिन एक दो ग्रंथों पर ज़रूर करेंगे, और उसके बाद हम नाखून क्यों बढ़ते हैं उस निबंध पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ आज के इस संवाद को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।